नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम गुजरात में चुनाव होने वाले हैं चुनावी समर बिच चुका है और इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे होने चाहिए इस पर आज हम आपके साथ बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि गुजरात मॉडल जो पेश किया जा रहा है वह बता रहा है कि विकास कहीं से भी एजेंडा नहीं है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को वापस नफरत के एजेंडे पर बांटने वाले एजेंडे पर जाना पड़ रहा है और अगर ऐसा है तो क्यों क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सिर्फ गुजराती गौरव गुजराती अस्मिता की बात करते हुए यह भी बात करने लग जाते हैं नर्मदा की बात करते हैं वह बात करते हैं मेधा पाटकर की वह बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की आखिर क्यों दोस्तों गुजरात चुनाव में जिस तरह से सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है वह हम सब के लिए चिंता का विषय है और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने समय से भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर शासन में है उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके आधार पर वह सीधे सीधे लोगों से वोट डाल सके मांग सके आखिर क्यों बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री वे सब गुजरात जाकर बार बार नफरत फैलाने वाली बातें क्यों करते हैं आइए देखिए किस तरह से इसकी कमान चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संभाल रखी है वह क्यों निशाने पर लेते हैं मेधा पाठकर को वह क्यों बार बार यह हवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सौराष्ट्र में और तमाम इलाकों में जो लंबे समय से वहां का किसान परेशान है तबाह है उसको क्यों वो खौफ दिखा रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर क्यों डराने की कोशिश हो रही है आखिर क्यों इतना बड़ा खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें एक दिन नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर जब शामिल होती हैं वे तस्वीरें और उनके बयान को गुजरात में मुद्दा बनाया जाता है वजह बहुत साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता गुजराती गौरव को दूसरे ढंग से लंबे समय से भुनाते रहे हैं और आज जब जमीन पर काम बहुत कम है या उन्हें लग रहा है कि उस तरह का बहुमत उन्हें नहीं मिल पाएगा तब वह यह डर मतदाताओं में बैठाना चाहते हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो ये तमाम लोग सत्ता में आ जाएंगे हम यहां मोदी जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहेंगे मोदी जी गुजरात में इतने सालों का जो आपका शासन है वह क्या विकास का कोई पैमाना नहीं साबित कर पाया है कुछ भी ठोस जनता को नहीं दे पाया है जिसे आप इन चुनाव में भुना सकें और दिखा सकें सवाल बहुत सीधा सा है कि आखिर क्यों आप अपनी रैली में अपने भाषणों में बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की आखिर क्यों आपको डर है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग उमड़ रहे हैं जा रहे हैं वे गुजरात के चुनाव को प्रभावित कर देंगे और तो और सबसे खतरनाक बात यह कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जो सांप्रदायिक कार्ड खेला है खेल रही है वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भाजपा इतने सालों में कोई ठोस डेवलपमेंट गुजरात में नहीं कर पाई है अब देखिए ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यह जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं गुजरात तब क्या बातें करते हैं इन्हें सीधे सीधे याद आता है आफताब जी हां श्रद्धा आफताब को लेके जो सांप्रदायिक कार्ड कॉरपोरेट मीडिया लंबे समय से खेल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं हेमंत विश्व शर्मा गुजरात में और क्या नारा देते हैं चुनाव राज्य का है यहां पर विधानसभा चुनी जानी है और वह कहते हैं कि अगर आपने मोदी को नहीं जिताया तो हर शहर में आफताब पैदा होगा यानी यहां पर वह खौफ पैदा करना चाहते हैं हिंदू मतदाताओं में इसको सीधे सीधे लव जिहाद से जोड़कर वह बात तकरीबन उसी ढंग से करते हैं जैसे यहां का कॉरपोरेट मीडिया करता है और कई बार तो लगता है जिस तरह से सुदर्शन टीवी उसका जो मुखिया है क्योंकि मैं उसको पत्रकार नहीं मानती हूं वह जिस तरह से अपने चैनल पर इस पूरे एपिसोड पर नफरत फैलाता है उसी नफरत को आगे बढ़ाने का काम यह मुख्यमंत्री गुजरात में कर रहे हैं यहां बहुत सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए इन तमाम लोगों से जो एक बर्बर -बर क्राइम की घटना को जी हां श्रद्धा आफ्ताब बर्बर क्राइम की घटना है जिसका जितने कड़े शब्दों में हम और आप निंदा कर सकें हम सबको करना चाहिए लेकिन जो लोग इसे मजहब से जोड़ रहे हैं पिछले तीन चार दिनों से जो खबरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से उन्हें कैसे जोड़ेंगे मिसाल के तौर पर जहां पर एक पीड़ित करने वाले पति के खिलाफ उसकी पत्नी और उसका बेटा साथ आता है हत्या करता है और तकरीबन इसी बर्बर ढंग से लाश को टुकड़ों में बांटता है यह मान लीजिए यह घटना जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है जहां पर एक व्यक्ति उसका परिवार उसके साथ है और वह साजिश रचके एक हिंदू लड़की को ही एक हिंदू लड़का शर्म की बात है कि हमें यह सब मेंशन इसका जिक्र अपने प्रोग्राम में करना पड़ रहा है लेकिन जिस तरह से नफरत आफताब और श्रद्धा वाले मामले में की जा रही है वहां यह बताना जरूरी है कि इस तरह की अनगिनत घटनाएं तमाम धर्मों में होती हैं और यह घटनाएं धर्म आधारित नहीं यह अपराध आधारित घटनाएं हैं मिसाल के तौर पे यह घटना जिसका मैं जिक्र कर रही थी आपके साथ इसमें दोनों ही हिंदू हैं लड़के का परिवार भी शामिल है अपराध में लड़की को बुलाया जाता है उसकी हत्या करते हैं उसको टुकड़ों में बांट देते हैं और इसी तरह से उसकी लाश को फेंक दिया जाता है यह सारी घटनाएं क्या टीवी चैनल उसी तरह से दिन रात चला रहे हैं या इन तमाम घटनाओं का जिक्र भाजपा के मुख्यमंत्री जाकर गुजरात में कर रहे हैं नहीं ये सारी घटनाएं सीन से बाहर हैं और इसकी बहुत ठोस वजह है ठोस वजह यह है कि इन घटनाओं को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत नहीं फैलाई जा सकती और ना ही इन घटनाओं के आधार पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है एक बात बहुत साफ है कि ये गुजरात चुनाव बहुत अहम है इसे जीतने के लिए भाजपा ने कितने दांव खेले हैं और आने वाले दिनों में वे कितने दांव खेलने वाली है इसके बारे में हम और आप आकलन नहीं लगा सकते लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इसकी शुरुआत पंद्रह अगस्त से होती है जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है उस समय गुजरात में न्याय की लंबी लड़ाई लड़ने वाली बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को छोड़ा जाता है उसके बच्चे की हत्या करने वाले और उसके परिजनों की हत्या करने वाले लोगों को छोड़ा जाता है सब कुछ केंद्र के इशारे पर होता है और तब से लेकर आज जब चुनावी समर पूरे परवान पे चढ़ा हुआ है तब तक देखिए आप नजारा बिल्कुल साफ है इस चुनाव में 2002 को जो खौफनाक मंजर था उसके अनगिनत चेहरों को ताजा किया गया है ऐसे लोग जो आरोपी साबित हुए जो दोषी साबित हुए उनके परिजनों को टिकट दिया गया उनकी बेटियां चुनाव लड़ रही हैं बिल्किस के हत्यारे, बलात्कारी, उनका महिमा मंडन होता है फूलों से उनका स्वागत होता है और इसके बाद यह तमाम घटनाक्रम अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ें, तो साफ हो जाता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है गुजरात में उसके पास अपना किया हुआ दिखाने को कुछ भी नहीं है मिसाल के तौर पर एक स्कूल तक नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी बैठ सके और बच्चों को एड्रेस कर सके वह स्कूल भी एक तरह से फर्जी स्कूल बनाया जाता है जिसमें पेंसिल से खिड़की बनाई जाती है यहां पर इन तमाम मुद्दों की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात के बहाने पूरे देश में दूसरे ढंग का ध्रुवीकरण किया जा रहा है दूसरे ढंग से ऐसे तमाम मुद्दों को उछाला जा रहा है जो मुद्दे जमीन से जिनका कोई रिश्ता नहीं है जो तमाम मुद्दे लोगों के पीड़ा के हैं दुख के हैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता लेकिन यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में सीधे सीधे नफरत की राजनीति गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रही है तो एक तरफ तो चुनाव के नाम पर नफरत का एजेंडा परवान चढ़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस देश में जो एक अहम यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वह किस तरह का असर पेश कर रही है किस तरह से भारत को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाली ताकतें हाथ मिला रही हैं यह सब लोगों के सामने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आ रहा है और शायद यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में जब उसका कारवां लगातार बढ़ रहा है लोग जुट रहे हैं ऐसे में जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के भीतर वह उभर कर सामने आ रही है यह अकारण ही नहीं है कि उत्तर भारत में जैसे जैसे यात्रा प्रवेश कर रही है अंदर जा रही है मध्य प्रदेश पहुंच रही है ऐसे में इस यात्रा पर हमला बहुत तेज हो रहा है शायद ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है नफरत और अमन के बीच ये आने वाले दिनों में और तीखी होगी और इस क्रम में यह संदेश देखिए यह संदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है यह संदेश है संजय राउत का जिन्हें ईडी ने लंबे समय से पकड़ा था जेल में बंद किया था बदले की कार्रवाई थी जिसे खुद अदालत ने माना और उन्हें छोड़ा राहुल गांधी और संजय दोनों के बीच बहुत अच्छे टर्म्स नहीं बताए जाते दोनों के बीच आपस में वाद विवाद लंबा रहा है और हाल के दिनों में जिस तरह से सावरकर पर स्टैंड लिया राहुल गांधी ने उसके बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर खलबली थी लेकिन जब राहुल गांधी फोन करते हैं और कहते हैं हालचाल लेते हैं तब यह शख्स बताते हैं कि दरअसल भारतीय राजनीति में जो वैचारिक मतभेद है वह निजी हिंसा में तब्दील नहीं होता और शायद यह मिसाल आज की राजनीति में बहुत जरूरी है क्योंकि यह लगातार गायब होता जा रहा है हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार खुद को विक्टिम की तरह तो जरूर पेश करते हैं वे कहते हैं कि उन्हें गालियां पड़ती हैं लेकिन जब वे लोगों को निशाने पर लेते हैं विपक्ष के नेताओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस समय वह भूल जाते हैं कि भारतीय राजनीति का क्या संस्कार रहे हैं शायद भारत जोड़ो यात्रा और इसके प्रति जो लोगों के भीतर एक उम्मीद जगी है वह दूसरे ढंग की मिसाल भारतीय राजनीति में पेश कर रही और अंत में दोस्तों दो अहम खबरों पर चर्चा जब हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव की तब मैंने आपसे कहा था कि देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए नफरत का एजेंडा पेश किया जा रहा है वो बुनियादी समस्याएं क्या हैं? उनमें से एक समस्या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है पिछले पांच सालों में सरकार ने दस लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए दस लाख करोड़ रुपए यह ऋण माफी हुई है और इसके जरिए बैंकों पर जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसका बोझ कम किया गया आइए देखते हैं दस लाख करोड़ रुपए यानी क्या यह या है भारत में इंडिया का जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है यानी सकल वित्तीय घाटा उसका सिक्सटी वन परसेंट इकसठ फीसदी है दस लाख करोड़ रुपए अगर ये अमीरों के जो लोन थे हम सब जानते हैं कि पिछले 2014 के बाद से जिस तरह से बड़े कॉरपोरेट ने लोन लिए काफी लोग तो भाग के भारत से बाहर चले गए लेकिन अभी भी जो भारत में हैं और जो कॉरपोरेट मोदी जी के बहुत खास हैं उनके ऊपर हमारा आपका हमारे बैंकों का कितना करोड़ों का लोन है ऋण है यह ऋण किस तरह से माफ किया जाता है और इसके बाद जो पूरा का पूरा कॉरपोरेट बोझ है ये हम और आप चुकाते हैं हमारे बैंक चुकाते हैं हमारे बैंक पूरा सिस्टम बैठता है लेकिन इन पर चर्चा बहुत कम होती है इन पर बातचीत बहुत कम होती है क्योंकि जो सरकारें रेवड़ियों की बात करती हैं प्रधानमंत्री जी रेवड़ियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि चुनाव के मद्देनजर रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए मेरा सीधा सवाल है मोदी जी से कि ये जो 10 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांटी है ये किसके मत पर है उससे किसको फायदा हुआ आज जब देश बड़े पैमाने पर भुखमरी के कगार पर है बेरोजगारी चरम सीमा पर है ऐसे में किससे पूछकर ये दस लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए और जो कॉरपोरेट को रेवड़ी दी गई उसका नुकसान उसका पूरा का पूरा बोझ आखिर हम भारतीय नागरिक क्यों उठाएं? आप भी इसके बारे में सोचिएगा जरूर और दूसरा सवाल कश्मीर से जुड़ा हुआ है कश्मीर के पत्रकार एक बार फिर निशाने पर हैं कोई बात नहीं करना चाहता जम्मू और कश्मीर की क्योंकि वहां पर जिस तरह से दबाव है जिस तरह से लगातार एक के बाद एक छोटी बड़ी खबरों पर पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बैठा हुआ है प्रताड़ित करता है पत्रकारों को तंग करता है उसके बाद वहां से खबरें आना तकरीबन बंद हो गई हैं ऐसे में देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह दावा किया कि मिलिटेंट के एक समूह ने पत्रकारों की सूची जारी की है इसमें तकरीबन 20 या कुछ अधिक पत्रकारों के नाम जारी किए और इनके बारे में पुलिस का दावा है कि मिलिटेंट्स का कहना है कि ये पत्रकार सरकारी प्रचार को चलाते हैं उन्हीं की खबरें छापते हैं लिहाजा वे निशाने पर हैं यह लिस्ट जब सामने आती है इनमें से पांच लोग इस्तीफा दे देते हैं बात सिर्फ यहीं रुकती नहीं है इसके बाद पुलिस लगातार तमाम पत्रकारों पर वकीलों पर और तथाकथित तौर पर आतंकवादियों से जुड़े रिश्ते रखने वालों पर छापा डालती है तकरीबन सात पत्रकार एक वकील और दो जो कश्मीर के नागरिक हैं उनसे पूछताछ होती है यहां इस खबर का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में पत्रकारों की क्या स्थिति है किस तरह से वहां पर सना मट्टो उनको जब पुरस्कार मिलता है पुलिस दर पुरस्कार वह लेने तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वहां का सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें जाने की इजाजत नहीं देता ऐसे में पत्रकारों की यह सूची आना बाकी पत्रकारों पर दबिश होना पूछताछ होना बता रहा है कि कश्मीर से आने वाले दिनों में और भी खबरों का अकाल पड़ेगा क्योंकि ये तमाम पत्रकार जो रडार पर हैं ये सब नौजवान हैं और बहुत हिम्मत के साथ रिपोर्टिंग करने का साहस कर रहे हैं सवाल बहुत साफ है कि एक तरफ पूरा तंत्र असली खबरों से हम आप तमाम नागरिकों को दूर करना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ नफरत परोसना चाहता है नफरत पर ही राजनीति करना चाहता है और नफरत के आधार पर ही गुजरात हो हिमाचल हो या दिल्ली हो इनके चुनाव जीतना चाहता है फैसला हमें और आपको करना है शुक्रिया